हेलो स्टूडेंट, टुडे वी एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो लेजर लाइट को समझने के लिए हम लोग स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन को एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले हम लोग स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का एक्सप्लेनेशन किए थे, इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन। तो एक कंटेंट लेते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग है सेल्फ, अपने आप जो घटना एग्जिस्ट कर रही है। एमिशन है तो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो जाएगा। एनर्जी स्टेट्स ये पढ़े आप लोग, एटॉमिक ट्रांजिशन, ये सब नाम मिला। तो इसमें N1 N2 एटम पहले से एक्साइटेड स्टेट में है और जब एमिशन करता है तो ये डाउनवर्ड आता है। तो आते समय एक पल्स का रेडिएशन करता है जिसको एक्स न्यू कहते हैं। तो यहाँ पर एटम है तो इसका एक्साइटेड एटम है एक्साइटेड एटम, हायर स्टेट में है। ये स्टेट E1 है और ये E2। तो इसका लाइफ टाइम होता है 10⁻⁸ सेकेंड। इसके बाद या तो और एक्साइटेड स्टेट में जाता है या लोअर स्टेट में ये आता है। ये ट्रांजिशन लाइन है अपर टू लोअर। तो अब यहाँ पर एटम आ गया ग्राउंड स्टेट में और ये है E1 और ये E2। यहाँ पर जो एमिशन होगा इसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस एमिशन, यहीं पर होगा। तो ये बिफोर इनिशन लाइट, यहाँ पर ये एटम अपर लेयर में है और आफ्टर इनिशन लोअर स्टेट में आ गया। ट्रांजिशन अपर टू लोअर हो रहा है विदाउट एनर्जी सेल्फ एग्जिस्ट करता है। ये इस डायग्राम को ड्रा कर लीजिए। इसका मीनिंग है
if atom is situated in the upper energy state, situated in the upper energy state as an excited atom, then after its lifetime, after its lifetime, ये lifetime होता है 10^-8 सेकंड। It is transit either upward or downward if atom is downward then energy pulse is emitted since such type of emission is exists self so it is called spontaneous emission spontaneous emission इसमें ट्रांजिशन होता है अपर टू लोअर और सेल्फ ये एग्जिस्ट करता है इसलिए इसका नाम है स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब देखिए इस सेमिशन में एक टर्म हम लोगों को लेना है स्पॉन्टेनियस emission is self exist phenomena so it is a natural event natural event and uncertain very poor
इरेगुलर, अनयूजुअल, तो ये सब घटना एग्जिस्ट करेगी सेल्फ, कोई इसका फिक्स टाइम नहीं है, नेचुरली ये जब सिस्टम बनेगा इस तरह का तो ये वातावरण से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एटम का सिस्टम, और ये एक्साइटेड होगा, ट्रांजिशन करेगा, तो ये लाइट एमिट होगी। अब ये लाइट वीक होगी, इससे कोई एक्सटर्नल काम हम लोग चाहें कि कर ले तो नहीं हो पाएगा, ये नेचुरल इवेंट है, अपने मन से एग्जिस्ट करती रहेगी, अनसर्टेन होगी, वेरी पुअर रहती है, इरेगुलर होगी, अनयूजुअल होगी, तो इसका हम लोग यूज डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। डेट इज, इसका मीनिंग है डेट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस इन द यूजुअल वर्क में यह यूज नहीं हो पाता है। अब देखिए इसमें कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, स्टेट पर, कि कितना एक्साइटेड स्टेट जल्दी एटम को ट्रांजिट कर लेता है। तो यहाँ पर है इन द स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोबेबिलिटी आप एटॉमिक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एटॉमिक ट्रांजिशन इज ट्रांजिशन इज अनसर्टेन एंड एक्सप्रेस्ड एज ए कांस्टेंट दैट इज कांस्टेंट होती है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्रोबेबिलिटी अब ये 2 से 1 स्टेट में होगी, और इसको लिखा जाता है A to 1, कांस्टेंट लिया जाता है। A to 1 को कहा जाता है आइंस्टीन स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशियंट, और कल आया था एक A12, उसको कहा गया था आइंस्टीन स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट, कांस्टेंट लिया जाता है आगे थियोरी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें जो ए टर्म है इसको हम लोग कहेंगे आइंस्टीन कोफिशिएंट, अब ये सेम होता है, यहाँ A21 इज कॉल्ड, ऊपर लिख दे रहे हैं, इतने नोट कीजिए।
देखिए इसमें जो 8-2-1 इसको कहा जाता है स्क्वेयर। 8-2-1 इज कॉल्ड आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन भी आगे यूज होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब एक नाम था स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन। तो स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब है उद्दीपित उत्सर्जन, जिसको उत्प्रेरित किया जाए उत्सर्जन के लिए। ये तो सेल्फ एक्साइटेड एटम था। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे, देखिए सब सिस्टम ऐसे ही रहेगा, इसमें इंसिडेंट एनर्जी दिया जाता है और ये इंसिडेंट एनर्जी जो होती है इसे टकराती है, टकराएगी तो ये पहले से ही एक्साइटेड है, एक्साइटेड एटम है। और ये एनर्जी यहाँ से एच न्यू दी जा रही है, ये इंसिडेंट एनर्जी है। अगर इस एटम से टकराती है तो ये एटम लोअर स्टेट में आता है, तो पहले से ही इसके पास एच न्यू एनर्जी रहेगी क्योंकि एक्साइटेड है। तो ये आ रहा था तो एक न्यू पल्स दे रहा था। अब ये स्ट्राइक करेगी एनर्जी इससे जा करके, और अब इसका ट्रांजिशन अपर टू लोअर स्टेट में होता है। तो यहाँ पर दो पल्स मिलती है इस ट्रांजिशन में, एक पल्स ऐसे दो पल्स मिलेगी और दोनों सेम फेज में मिलती है। तो एक एच न्यू है और ये भी एच न्यू है, दोनों मिल करके एक स्ट्रांग पल्स बनती है। यहाँ से जो पल्स निकलेगी अब एक बड़ी पल्स बन करके ऐसे निकलती है, स्ट्रांग पल्स। तो ये जो पल्स होगी 2H न्यू के इक्विवेलेंट होगी क्योंकि दोनों मिल करके एक पल्स बनाएगी। तो स्ट्रांग पल्स बाहर निकलती है, इसी को कहा जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये हो जाएगा स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन मिलेगा, एक पल्स के बजाय दो पल्स मिलेगी। तो ये बिफोर एमिशन एटम अपर स्टेट में है और आफ्टर एमिशन एटम लोअर स्टेट में आ गया है। तो यहाँ पर दो रेडिएशन मिल रही है, इस रेडिएशन को ही कहा जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये डायग्राम बना लीजिए इसी को। एक्साइटेड स्टेट में एटम चल रहा है, एक्साइटेड से लोअर स्टेट में आ रहा है।
इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इन 1917 आइंस्टीन आइंस्टीन इंट्रोड्यूस द ओरिजिन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, ओरिजिन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन इन द एटॉमिक ट्रांजिशन एटॉमिक ट्रांजिशन फेनोमेना। ये अब इस फेनोमेना में क्या होता है, देखिए ये जो इवेंट्स है या प्रोसीजर है इसमें हम लोग मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर होगा कि इफ एटम, इस डायग्राम में यही शो किया गया है, मैटर का एनर्जी स्टेट है कि एटम ऑलरेडी एक्साइटेड है और अपर स्टेट में है। अगर उसे कोई इंसिडेंट एनर्जी जा करके कोलाइड करती है तो ये एक्साइटेड होकर के या तो और अपवर्ड स्टेट में जा सकता है या डाउनवर्ड स्टेट में आता है। तो आते समय इसे एक रेडिएशन के बजाय दो रेडिएशन पल्स मिलता है, तो ये एम्पलीफाइड एनर्जी मिलती है कि एक पल्स दिया गया और ये एक्साइटेड एटम है तो इसके पास ऑलरेडी एक न्यू एनर्जी है। अब जब ये ड्रॉप करेगा, ट्रांजिट होगा फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेट, तो उस ट्रांजिशन के दौरान दो रेडिएशन पल्स मिलता है, एक तो ये एक्साइटेड है तो इसके पास है और एक इंसिडेंट एनर्जी जा रही है कोलाइड करती है। इस कोलिजन के बाद ये ट्रांजिट होता है तो एनर्जी का डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार एक न्यू एनर्जी है पहले से और ये दी जा रही है, तो दोनों एनर्जी का एमिशन करके स्टेबल एटम बन जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो इस तरह के इवेंट्स को कहा जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन, जिसमें कम इनपुट एनर्जी दिया जाए और हाई आउटपुट एनर्जी प्राप्त किया जाए, तो इस घटना को कहा जाता है एम्पलीफाइड एक्शन। तो एम्पलीफाइड एक्शन ना कह करके इसको कहा जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन, लाइट के केस में उद्दीपित उत्सर्जन। तो ये बढ़ करके आपको उत्सर्जन मिलेगा। स्पॉन्टेनियस एमिशन में ये सेल्फ एग्जिस्ट कर रहा था, इनपुट एनर्जी नहीं था उसमें, तो एक पल्स दे रहा था। स्पॉन्टेनियस में एक पल्स मिलेगा, स्टिमुलेटेड में टू पल्स मिलेगी। अगर दो एटम है तो फोर पल्स मिलेगी, लाइट का एम्प्लीफिकेशन होने लगेगा और जब लाइट बढ़ करके आउटपुट में प्राप्त होगी तो उसी घटना को कहा जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। और लेजर लाइट के लिए यही ओरिजिन बनता है। तो इस फेनोमेना को हम लोग डिफाइन करेंगे पहले। ये आइंस्टीन का इसमें भी कोफिशियंट डिफाइन होगा, रिलेशन मिलेगा। तो देखिए, इफ इसमें है कि एटम इज सिचुएटेड सिचुएटेड ऑलरेडी इन द अपर एनर्जी स्टेट, अपर एनर्जी स्टेट एंड इंसिडेंट, इसमें लाइट एनर्जी दी जाएगी, इंसिडेंट एनर्जी रेडिएशन जो एच न्यू दिया जा रहा है इज कोलाइड टू इट, देन सच एटम
इज आल्सो एक्साइटेड, पहले से भी एक्साइटेड ही है, एक्साइटेड एंड ट्रांजिट आइदर अपवर्ड आर डाउनवर्ड। किसी न किसी एनर्जी स्टेट के लिए ये ट्रांसफर होगा, तो किस एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर होकर अब इसमें लिया जाएगा कि इफ ट्रांसफर डाउनवर्ड डाउनवर्ड देन टू एनर्जी पल्सेस रेडिएटेड आउट इंस्टेड ऑफ ए सिंगल एनर्जी पल्स, सिंगल एनर्जी पल्स। तो टू पल्स मिलेगी एक के बजाय। अब देखिए दिस टाइप ऑफ एम्पलीफाइड, एम्पलीफायर में ही आप लोग पढ़ते हैं कि लो इनपुट को हाई करता है। तो दिस टाइप ऑफ एम्पलीफाइड एनर्जी रेडिएशन ड्यू टू एटॉमिक ट्रांजिशन एटॉमिक ट्रांजिशन इज कॉल्ड, एटॉमिक ट्रांजिशन इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन कहलाएगा। अब इस एमिशन में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। टेक्निकल वर्ड्स हैं सब, ऐसे आप डायग्राम समझ कर ऐसे टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने अंदाज में, कैसे ये एक्सप्लेन करना है, कितना करना है, ये सब बताया जाता है। कहाँ तक इसमें अप्रोचिंग है आपकी, क्या क्या टर्म्स होंगे, ये नोट कर लूँगा। तो इसमें है कि एटम ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है, इंसिडेंट एनर्जी से कोलाइड करती है, तो ये या तो ऊपर जाएंगे नहीं तो नीचे आएंगे। अगर नीचे आते हैं तो एक एनर्जी पल्स के बजाय दो एनर्जी पल्स का यहाँ पर रेडिएशन होगा और दोनों पल्स स्ट्रांग हो जाता है, सेम फेज में मिलता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एम्पलीफाइड लाइट या स्टिमुलेटेड एमिशन। अगर ये सेम फेज में नहीं रहता तो लाइट यहाँ पर इनहांस या एम्पलीफाइड नहीं होती, तो सेम फेज में रहते हैं, इसलिए दोनों का एस न्यू प्लस एस न्यू जुड़ जाता है। जैसे आप वेव में पढ़ते हैं कि दो वेव सुपर इम्पोज है, सेम फेज में है, तो इनका एम्पलीट्यूड ए वन प्लस ए टू जुड़ जाता है,
या डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y1 प्लस y2 जुड़ जाता है। तो सेम फेज में होगी तो जुड़ जाएगा, अपोजिट फेज में होगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये टर्म है। अब देखिए इसमें आइंस्टीन ने एक अपना कोफिशियंट दिया, उसको हम लोग लेते हैं कि जितना इंसिडेंट एनर्जी बढ़ाई जाएगी उतना ही ये ट्रांजिशन बढ़ता है, एनर्जी डेंसिटी बढ़ती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ता है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं इसे। ये पहले का रिजल्ट है। तो इसमें देखिए यहाँ पर है इंसिडेंट एनर्जी बढ़ती है, यहाँ पर ले लिया जाएगा ठीक है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आप एटम इन द स्टिमुलेटेड इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट एनर्जी डेंसिटी आर फ्रीक्वेंसी। दैट इज जो प्रोबेबिलिटी होगी अपर से लोअर स्टेट में आने की, इस प्रोबेबिलिटी को 2 से 1 लिया जाता है। ये प्रोपोर्शनल होती है यू न्यू, 2 से 1 में इसको लिया जाता है बी टू वन यू न्यू। जैसे एब्जॉर्प्शन में था उसी तरह इसमें मिले वेयर बी टू वन इज कॉल्ड आइंस्टीन स्टिमुलेटेड एमिशन आइंस्टीन कोफिशिएंट आप स्टिमुलेटेड एमिशन। तो एक स्पॉन्टेनियस एमिशन था, एक एब्जॉर्प्शन था, एक स्टिमुलेटेड एमिशन। तीन कोफिशिएंट मिले हैं। अब देखिए अगला कंसेप्ट है इसमें कि स्टिमुलेटेड एमिशन जो होता है यहाँ पर मिलेगा कि इंसिडेंट एनर्जी देने पर ही ये मिलता है, उसी पर डिपेंड होगा, उसी के अकॉर्डिंग बल्टन बनाया जाता है। इसमें होगा कि स्टिमुलेटेड इमिशन इज एन आर्टिफिशियल इवेंट एंड रिमेंस सर्टेन रेगुलर स्ट्रांग, वो पुअर था ये स्ट्रांग होगा, यूजुअल इन द डेली लाइफ या यूजुअल लाइफ
या प्रैक्टिकल, साइंस है तो लिख देता हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ। अब देखिए, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है उसका अपोजिट है, ये वो आर्टिफिशियल नहीं था, नेचुरल था, तो ये आर्टिफिशियल होगा। वो अनसर्टेन था तो ये सर्टेन होता है, वो इरेगुलर था तो ये रेगुलर होगा, वो पुअर था तो स्ट्रांग होगा, वो अनयूजुअल था तो ये यूजुअल होगा। उसका लाइफ में एप्लीकेशन नहीं होता है, इसका लाइफ में एप्लीकेशन किया जाता है। अब यही जो प्रिंसिपल है लेजर लाइट में यूज होता है। देखिए, ड्यू टू सच कैरेक्टरिस्टिक्स, सच कैरेक्टरिस्टिक्स स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन हैव यूजुअल सिग्निफिकेंस, यूजुअल सिग्निफिकेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ लेजर लाइट, यूजुअल सिग्निफिकेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ लेजर लाइट, लेजर लाइट के प्रोडक्शन में इसका सिग्निफिकेंस है, इसी से स्टार्टिंग होगा। तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या हो जाएगा, डिफरेंस मिलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग इस समय लेजर लाइट का ओरिजिन पढ़ रहे हैं कि लेजर लाइट एटॉमिक ट्रांजिशन होगी, कहाँ से क्या टर्म मिलेगा, इसका नॉमेक्लेचर क्या होगा, इसमें कौन कौन से एब्जॉर्प्शन या एमिशन होंगे, तो इसको भी नोट कर लीजिए। पूछा जाता है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या डिफरेंस है, तो ये जो डायग्राम बना है इसमें इसका नाम क्या था, स्पॉन्टेनियस पहले था स्पॉन्टेनियस एमिशन, अब है स्टिमुलेटेड एमिशन, तो दोनों में डिफरेंसेज होगा, ओरिजिन क्या होगा इसका। अब आप समझ सकते हैं इसको, किसने इसको ओरिजिनेट किया ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम है स्टिमुलेटेड एमिशन में, वो सीधा इंसिडेंट एनर्जी के कारण हो रही है, इसी के प्रोपोर्शनल लिया जाता है, एक कांस्टेंट डिफाइन हुआ है। अब तीन कांस्टेंट आइंस्टीन के हैं, इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए दिया जाता है कि आइंस्टीन का कोफिशियंट क्या है, इनको आपस में रिलेट कीजिए, तो ये सब सर मिलेगा। एक लेक्चर हम लोग इसी पर लेंगे। अब देखिए, अब तक हम लोग लेजर, लेजर क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये सब हम लोग एक्सप्लेन किए। उसके बाद से हम लोग लिए कि एनर्जी कई तरह की है, जैसे आप लोगों को बताया गया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, तो उसमें एटम का वाइब्रेशन या ऑसिलेशन होता है, ये एनर्जी लेजर लाइट नहीं है, वो हीट रेडिएशन या लाइट रेडिएशन है, वो अलग चीज है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बताया गया है कि वो भी नहीं है, ये डायरेक्ट एटॉमिक ट्रांजिशन की एनर्जी होती है, और एटॉमिक ट्रांजिशन में यही बताया गया कि एटम मैटर में एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला बोल्ट्जमान फार्मूला से मिलता है कि एटम किस स्टेट में कैसे होंगे, कितने होंगे। इनकी संख्या को फाइंड करने के लिए हम लोग एक लॉ पढ़े थे कि एन इक्वल टू एन जीरो ई टू द पावर डेल्टा ई अपान के टी, एक्सपोनेंशियली घटते जाते हैं। अब एन जीरो मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में एटम है, तो एन किसी अपर स्टेट में एटम है, और ये एटम का जो एनर्जी स्टेट था ई टू था और ये ई वन, तो दोनों के बीच का इंटरवल जो होगा डेल्टा ई,
इसको लिया जा रहा है इसे, और इसी की वैल्यू है ई टू माइनस ई वन, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है 23 न्यू से। दिखा देते हम लोग, अब है कि इसमें कुछ ट्रांजिशन जो होगा अपर स्टेट से लोअर में होगा तो पल्स निकलेगी, तो सेल्फ होगी तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। अगर इंसिडेंट एनर्जी दे करके और हायर स्टेट से लोअर स्टेट में इसको लाया जा रहा है तो 2 पल्स मिलेंगी, तो उस समय यह स्टिमुलेटेड एमिशन बन जाएगा। अगर इंसिडेंट एनर्जी दिया जा रहा है उसको, ये जात भर के लोअर से हायर स्टेट में जा रहा है, तो इस घटना को कहा जाएगा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो एटॉमिक ट्रांजिशन के कारण जो लाइट रेडिएट होती है या एब्जॉर्ब होती है उसी को हम लोग कभी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहते हैं, कभी स्टिमुलेटेड एमिशन कहेंगे, और सेल्फ एग्जिस्ट करता है तो स्पॉन्टेनियस एमिशन कहेंगे। इन तीनों में क्या डिफरेंसेज है ये मिला। अब इस थियोरी को बहुत पहले ही आइंस्टीन ने दे दिया था 1917 के आसपास, लेकिन थियोडोर मेमान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका एप्लीकेशन करते करते सफलता पाया था 1916 में, मिला था उनको सफलता लेजर लाइट के रूप में। इसी तरह से सीएच टाउन थे जो 1954 में भी कुछ लाइट रेडिएट करा लिए थे, लेकिन थियोडोर मेमान की सफलता इसमें मानी जाती है लेजर लाइट को प्रोड्यूस करने में। और उससे पहले स्टिमुलेटेड एमिशन का खोज आइंस्टीन ने किया था, किस तरह से एब्जॉर्प्शन एमिशन होगा इसका कंसेप्ट उन्होंने दिया था। तो ये सब हम लोग यहाँ तक पढ़े लेजर लाइट में। अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि पहले तो आइंस्टीन के जो 3 कोफिशियंट यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं, 1 2, A2 1 और B2 1, इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों से पूछा जाता है कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन को समझाइए, तथा इसके लिए आइंस्टीन के कोफिशियंट में रिलेशन फाइंड कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस यूनिट से, तो ये बनेगा या शॉर्ट बनेगा तो दे देगा कि व्हाट आर आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन इन द एटॉमिक ट्रांजिशन सिस्टम। तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, कभी डिफाइन करने के लिए दे दिया जाएगा कि स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, स्टिमुलेटेड क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने अपने अनुसार पेपर से सर्च करते रहेंगे, मैं सर आपके कापी में मिलता रहेगा उसके अकॉर्डिंग कि किसका आंसर क्या है, ये सब मिलेगा। तो इसके बाद अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा। अब वो एक लेक्चर की बात है, उसके बाद से पंपिंग प्रोसेस है ट्रांजिशन में, पॉपुलेशन इन्वर्जन है, और रूबी लेजर, हीलियम नियान लेजर है, लेजर लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करना हम लोगों को। तो अगले लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।